प्रयागराज में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय दृश्य कला विभाग के छात्र अजय गुप्ता ने अपनी कला को प्रदर्शित करते हुए संगम विहार के घाट पर रेत से एक कलाकृति बनाई, जिसमें उन्होंने दर्शाया गांधी जी की प्रतिमा और एक तस्वीर जिसमें पूरे करे और लोगों को जागरूक किया कि आप लोग साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, गंदगी सड़क पर ना फैलाएं, अपने घर से निकलते वक्त थैला जरूर लेकर निकले, पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें। प्रयागराज से अता हसनन के साथ शमशाद खान की रिपोर्ट। क्या आज आपने किस संदर्भ में ये सैंड आर्ट बनाया है? आज सर हम लोगों ने यह सैंड आर्ट किया है। बेसिकली सर सैंड आर्ट हम लोग अक्सर करते रहते हैं, पर यह सैंड आर्ट 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर है, जो कि स्वच्छता पर है। देखा जा रहा है कि सर स्वच्छता अभियान अपने देश में चल ही रहा है, पर लोग इससे अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोग अवेयर हैं, कुछ अवॉइड कर रहे हैं इस चीज़ को। तो आज हम लोगों ने इसको इस उद्देश्य से सैंड आर्ट किया है, साथ में ताकि लोगों की अवेयर कर सकें। जो उनके डस्टबिन में भी हम लोगों ने एक सैंड आर्ट से एक डस्टबिन बनाया है, जो कि कूड़े से भरा हुआ है, कि लोग अपना कूड़ा अपने डस्टबिन में डालें। और साथ में गांधी जी का पोर्ट्रेट बनाया है इस वजह से, ताकि वो जो स्वच्छता अभियान है वो गांधी जी के तहत ही स्टार्ट हुआ था। इस वजह से आज हम लोगों ने ये सैंड आर्ट किया है, लोगों को अवेयर किया है कि अपना भारत, अपने घर को स्वच्छ करें, अपने पार्क को स्वच्छ करें, अपना भारत स्वच्छ हो जाएगा और धीरे धीरे अपना नेचर भी एक क्लीन हो जाएगा। सैंड आर्ट के माध्यम से हमेशा आपने एक मैसेज देने की कोशिश की है, कुछ आप अपने तरफ से कुछ अपील करना चाहेंगे प्रयागराज वासियों से? ये अपील करना चाहूँगा, जैसे कि मैं हर एक ओकेज़न पर सैंड आर्ट करता हूँ, चाहे वो अर्थ डे है, चाहे वो विश्व पर्यावरण दिवस हो, हर एक ओकेज़न पे मैंने सैंड आर्ट किया है। प्रयागराज वासियों को ये अपील करता हूँ कि हमारे इस सैंड आर्ट को आएं और देखें। और मैं सुबह से ही सैंड आर्ट करता हूँ, कड़ी धूप में, चाहे वो ठंड हो चाहे वो एकदम कड़ी धूप हो, मैं सैंड आर्ट करता हूँ। और ये सैंड आर्ट देखें और जो ये मैं सोशल मैसेज देता हूँ उन लोगों तक पहुँचे और इनको शेयर करें, ताकि इस सैंड आर्ट कला को लोग देख सके बाहर के वासियों में। अपनी इस कला, इस आर्ट को आप अब तक कितने लोगों को सिखा चुके हैं या ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये सैंड आर्ट मैं अपने मित्र मनोज और कुछ अभी जूनियर के साथ ही करता हूँ। मैं अक्सर अभी मैंने बीच में ही सैंड आर्ट किया था, जो कि यूनाइटेड किंगडम से मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था अपने भारत से, और उसका भी हमको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। साथ में अभी एक सैंड आर्ट करने जा रहा हूँ, जो कि गिनीज ऑफ बुक रिकॉर्ड पे है। प्रशासन से मेरे यही अपील है कि अगर वो अगर हमको सहयोग करेंगी तो अपने प्रयागराज से गिनीज ऑफ बुक रिकॉर्ड एक अच्छे से हो सकता है। कुछ लोग जो आपसे ये आर्ट सीखना चाहे पर्सनली, तो क्या आप उन्हें सिखाने के लिए? जी बिल्कुल, मैं एक एग्जीबिशन भी करना चाहता हूँ सैंड आर्ट को लेके, एक वर्कशॉप चलाना चाहता हूँ, ताकि ये जो सैंड आर्ट हो लोगों तक पहुँचे और एक एक बच्चा ये सैंड आर्ट करे, ताकि हम एक वर्कशॉप भी चला सकते हैं और एक अपने भारत से एक सैंड आर्टिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। अपना परिचय, मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, प्रयागराज।